Good afternoon, everyone. How are you all doing? I hope you guys are doing really well. You are fitting fine, you are healthy and safe. Can you all see me? Can you all hear me? Am I audible? Am I visible to all of you? Jaldi se mujhe comment karke bata do live chat mein. I think you guys can see me, you guys can hear me. Am I audible? Am I visible? Jaldi se bata do bachcha bhari. Can you see me? Can you hear me? Hi everyone. Hi Ravneet. Hi Kriti. Hi Aindri. Kriti, thank you so much, bacha. Right now I've got your notification that about the hat thing. Thank you so much. It was really nice. Right. All right, bacha bhari. Fatafat start karte hain. Aaj hai Let's Crack Flamingo. I think slides are equally visible to you and I am audible to you. जल्दी से मुझे बता दो ऑडिबल विजिबल सब कुछ ठीक है आगे बढ़े हाय सयान गुड आफ्टरनून कैन वी प्रोसीड यस चलो ग्रेट बेटा अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो अन अकेडमी पे हैं यू वांट टू एस योर गेम ऑफ स्पेस एंड एस योर गेम ऑफ School, then you can join an academy plus with me, right? You have to use my referral code that is KRITS and you will be a part of KS Army. Okay, so I welcome you all here to an academy that is a very own channel of yours, right? Fatafat start karte beta. Those who do not know about me, I am Dr. Kritika and I am your English educator at an academy and I'm taking your English for classes 11th and 12th. Right. Basically, I've done my bachelor's in dental surgery, and now I'm into profession of education because that is somehow it fascinated me, and I really feel good when I teach students. It's one of the hobbies that I'm having. Right. So, an academy ask a doubt feature आपको देता है बच्चा. फटाफट आपको जितने भी डाउट पूछ सकते हो आप कभी भी पूछ सकते हो किसी भी टाइम पे पूछ सकते हो आपको हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं दोनों लैंग्वेजेस में हिंदी में भी मिल जाते हैं और इंग्लिश में मिल जाते हैं राइट आपको अपने होमवर्क में असिस्टेंस मिलता है और आपको एक्यूरेट सॉल्यूशंस मिलते हैं कहीं भी कैसे भी कहीं भी है ना तो करना क्या है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे जाकर आस्क अराउंड फीचर पे क्लिक करके अपना क्वेश्चन चूज करके उसको सेलेक्ट करके हाईलाइट करके सब्जेक्ट करके उसका क्या सब्जेक्ट है बेटा देन यू विल सिट टाइट एंड रिलैक्स चिलैक्स होके एकदम से हम करेंगे अनअकैडमी हमें देता है यू नो घर से कंफर्टेबल तरीके से पढ़ने का बैठ के मौका और साथ में हमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स तो मिल ही जाते हैं चाहे वो कोटा की फैकल्टीज हो चाहे वो फेमस यू नो फेमस आईआईटी की फैकल्टीज हो चाहे वो नीट की फैकल्टीज हो राइट अरे वाह दैट्स ग्रेट 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 अरे वाह वंडरफुल रवनीत और आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ साथ अनलिमिटेड कोर्सेज मिल जाते हैं जिसके कोर्स में पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी नहीं है राइट हां जी और साथ में बेटा आप लोगों को रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है मतलब हर तीसरी क्लास के बाद जो फोर्थ क्लास होती है वो डाउट क्लियरिंग सेशन की होती है और एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको कराया जाता है बच्चा साथ में आप लोगों को मेंटोरशिप एंड गाइडेंस एकदम भर भर के मिलती है राइट आप कभी भी कहीं भी बैठ के अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड पढ़ सकते हो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो राइट बिकॉज द होल एम ऑफ अनअकैडमी इज टू डेमोक्रेटाइज एजुकेशन एंड दैट इज व्हाट यू नो वी आर डूइंग सिंस सो मेनी इयर्स एंड वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल द लर्नर्स फॉर टर्निंग अप टू आवर चैनल थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन आई कैन सी सो मेनी पीपल ज्वाइनिंग इन चलो ग्रेट 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 आपको लाइव टेस्ट सीरीज जैसे अभी के अभी मेरे बच्चे देखे आए हैं इमर्ज टेस्ट सीरीज उसमें आपको 5 करोड़ तक के प्राइसेस मिल सकते हैं गाइस हु नोज हु कैन विन राइट और आपको बैच कोर्सेज भी मिल जाते हैं ओके 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 फटाफट स्टार्ट करते हैं हाय भरत हाय प्रवीण हाँ लेट्स बिगिन आपका आज का स्केड्यूल क्या है बेटा 4 o'clock पे आपकी एक और क्लास है देन 6 o'clock पे देन 8 o'clock पे एंड रात को 11 बजे मैंने मिडनाइट मेंटी रखा है ना मैंने मेंटी क्वेज रखा है जिसमें बैटल होगा 200 क्वेश्चंस का बैटल रखा है मैंने रात को 11 बजे जो भी चैप्टर्स अपन लोगों ने पढ़े हैं ना सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स का रखा है ना जो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं अच्छे तरीके से हमने उसी का रखा है एंड 10 बजे मैंने क्या रखा है आप लोगों के प्रीवियस ईयर ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं मैंने इवांस का रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना माई मदर एट 66 का रखा है और साथ में इधर रखा है मैंने इंडिगो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है और आप लोग की 6 बजे है ये इवांस का यहाँ पर है और 6 बजे आप लोगों की पोएटिक मैराथन है ना पोएटिक मैराथन है चलो ग्रेट 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 है ना तो 20 जून तुम्हें हमेशा याद रहे
वेलकम टू द क्लास एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले लास्ट लेसन की समरी, लॉस्ट स्प्रिंग की समरी, डीप वाटर की समरी। हैप्पी फादर्स डे। यस 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 यस, विश यू ऑल, यू नो, प्लीज विश योर पेरेंट्स अ वेरी हैप्पी फादर्स डे, है ना। स्पेशली या सेम सेम कन्वे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। डीप वाटर, रैट ट्रैप और इंडिगो की समरी, ये सारे के सारे आज चेक बॉक्स होने वाले हैं तुम्हारे। आपको आज आपको चेक करना है इस चीज को, ठीक है। चलो ग्रेट ग्रेट, आर यू रेडी, स्टार्ट करें। आर यू रेडी? रेडी 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 स्टडी गो, रेडी स्टडी गो। हाय गुलाम, हाउ वाज योर टेस्ट? चल पहले स्टार्ट करते हैं। हाय जागृति, हाय हिमांगी, हिमांगिनी, सोनी, चलो लास्ट लेसन से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच जागृति। तो बेटा लास्ट लेसन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दो चीजें बताना चाहती हूँ। इसके ऑथर का नाम थोड़ा सा अलग है और नरेटर का नाम अलग है, है ना। ऑथर का नाम है बेटा अल्फोंस डॉडेट। क्या नाम है? अल्फोंस डॉडेट नाम है। और नरेटर का नाम है फ्रांस। नरेटर का नाम क्या है? फ्रांस, ठीक है, ग्रेट। तो नरेटर क्या होता है? जो बेटा स्टोरी नरेट करता है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी फ्रांस ने नरेट करी। ये स्टोरी बेटा तब लिखी गई थी फ्रैंको प्रशियन वॉर के टाइम पे। किस टाइम पे बेटा? फ्रैंको और फ्रांस और प्रशिया की लड़ाई चल रही थी, दुश्मन दुश्मन चल रही थी, तब ये स्टोरी लिखी गई थी। अगर आपको याद हो ऑटोमन बिस्मार्क, है ना, ऑटोमन बिस्मार्क की बात हो रही है, उसके टाइम की स्टोरी है ये, ठीक है। तो बेटा बेटा आपको ना उसके ऑथर के नाम थोड़े से याद करने पड़ेंगे, वो आपकी मजबूरी क्या है बेटा। आजकल ना क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, तो उसमें कभी कभी जब किस्मत खराब होती है तो पूछ लेते हैं बेटा, है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा याद कर लेना। थैंक यू सो मच जसप्रीत। चलो बेटा इसमें दो दो मतलब नाम आए हैं, दो दो जगह के। एक का नाम आया है एल्सेस और दूसरा का आया है लॉरेन, ठीक है ना। एल्सेस और लॉरेंस का नाम आया बेटा। ये दोनों के दोनों क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट हैं, कहां के? फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, जहां पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी, जहां पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी। तब क्या हुआ बेटा? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे क्या हुआ बच्चा? वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे क्या हुआ था? फ्रांस और प्रशिया की लड़ाई हो गई। अब प्रशिया में आपको अगर याद हो बेटा, मैंने आपको याद करवाया था गैप करके, है ना। प्रशिया में तीन चीजें थी, एक था हमारा जर्मनी, ठीक है, एक था हमारा ऑस्ट्रिया और एक था हमारा, जल्दी बोलो दूसरा क्या था, पी से क्या था? पोलैंड, याद आया? तो गैप करके याद कर लो। ये हमारा किस चीज में आता है? ये प्रशिया में आता है, है ना। प्रशिया कंसिस्ट ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड पोलैंड। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ जी। तो ये लास्ट जो लेसन है ना, ये वहीं कहीं की स्टोरी को करा गया बेटा। पहले के टाइम पे अगर आपको पता होता है, पहले के टाइम पे क्या होता था? जब भी दो कंट्रीज के बीच में वॉर होती थी, जब भी दो कंट्रीज के बीच में दुश्मन दुश्मन होती थी, जो कंट्री जीत जाती थी वो दूसरी कंट्री पे अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर देती थी। जैसे कि इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, क्या हुआ था बेटा? जब हमारे पर ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को भी हमारे पे इम्पोज कर दिया और आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश, है ना। तो ये बात याद है ना आप लोगों को, वैसे ही लैंग्वेज को इम्पोज कर देते हैं बेटा। इसको बोलते हैं, इस पर्टिकुलर वर्ड को बोलते हैं लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। प्लीज इसको याद करिएगा। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म क्या होता है? अपनी लैंग्वेज को महान बांध के दूसरे के ऊपर जबरदस्ती थोप देना, इम्पोज कर देना। थोप देना मतलब इम्पोज कर देना, उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। तो कहीं कहीं ये चैप्टर में ये आपकी थीम भी है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म को, अपनी लैंग्वेज को महान मार के दूसरे के ऊपर इम्पोज कर देने को बोलते हैं लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, ठीक है। शॉविनिज्म क्या होता है? डोमिनेंस। और लिंग्विस्टिक क्या होता है? लैंग्वेज, लिंगुआ बोले तो लैंग्वेज। क्लियर है यहाँ पर? यहां तक क्लियर है बेटा? द लास्ट लेसन रिवॉल्व अराउंड द लैंग्वेज एंड इट इम्पोर्टेंस। बेटा जब अब पछतात हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इन यहाँ के लोगों को अपनी लैंग्वेज की कदर ना पहले नहीं थी, अब धीरे धीरे करके उनको अपनी लैंग्वेज की कदर आ रही थी बेटा। पर अब पछताने से क्या बेटा फायदा, जब अब तो सारा का सारा टाइम वेस्ट हो गया, है ना। किसकी स्पेलिंग बेटा? लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। लिखते सी से है बट पढ़ते शॉ है ना। शॉविनिज्म नहीं पढ़ेंगे, शॉविनिज्म। पता है तुम्हें चाउमीन अच्छी लगती है बट शॉविनिज्म नहीं है, ये शॉविनिज्म है, ठीक है।
चलो द लास्ट लेसन रिवॉल्व अराउंड द लैंग्वेज. लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस यार, अपनी मदर टंग की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना. 15 अगस्त और 26 जनवरी को मतलब नजारा ही अलग होता है एकदम से. मतलब दिल में ना सारी की सारी पेट्रियोटिक भावनाएं आती है, है ना. चलो पेट्रियोटिक भावनाएं आती है ना बेटा हमारे मन में, तो यहाँ पर भी जो पेट्रियोटिक भावना आई थी बेटा तब आई थी जब उनकी लैंग्वेज, उनका कंट्री जो था वो हार गया था. प्रशिया और फ्रांस की जब डुसुम डुसुम हो रही थी तो प्रशिया जीत गया था. प्रशिया ने अपनी लैंग्वेज फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट पे एल्सेस एंड लॉरेंस बेसिकली पे, ठीक है, और एल्सेस और लॉरेंस पे बेसिकली वहां पर ही असर पड़ा था कि अब से उनकी उनके ऊपर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. वहां के स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना. अब ये बुलेटिन बोर्ड पे चीजें लग चुकी थी बेटा, अब डिसीजन आ चुका था कहां से, हेडक्वार्टर्स से. हेडक्वार्टर्स कहां पर थे बेटा, बर्लिन में हेडक्वार्टर्स थे. हेडक्वार्टर्स से ये चीज आ चुकी थी कि अब से एल्सेस और लॉरेंस के डिस्ट्रिक्ट में, एल्सेस और लॉरेंस के डिस्ट्रिक्ट में अब क्या होगा, अब से फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा. फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा, उसकी जगह पे क्या पढ़ाया जाएगा, उसकी जगह पे जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा. समझ में आया सबको, जल्दी बोलो. तो यहीं पर ना लोगों को अब अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आती है मदर लैंग्वेज की, है ना. तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू सेफगार्ड द लैंग्वेज, मतलब हमारी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी लैंग्वेज को संभाल के रखें अपनी कंट्री की, क्योंकि हमारी वो आइडेंटिटी है, हमारी वो पहचान है. हिंदी भाषा हमारी पहचान है, चाहे हम ऑकवर्ड फील करें, चाहे हमें हंसी आती है उस पर, बट फिर भी हमारी वो मातृभाषा है, है ना. कह सकते हैं उसे मातृभाषा हमारी वो है. इसीलिए The lesson depicts how after defeating France, मैंने बताया था ना कि फ्रांस जो था बेटा वो लड़ाई में हार गया था. अब प्रशियंस ने क्या करा बेटा, प्रशियंस ने एक भी मौका नहीं गवाया और अपनी लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज को फ्रांस पे इम्पोज कर दिया, है ना. गुड आफ्टरनून सुभाष. अपनी लैंग्वेज को, जर्मन लैंग्वेज को बेटा फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स पे इम्पोज कर दिया. प्रशियंस वांटेड टू रोल ओवर नॉट ओवर द टेरिटरी ऑफ फ्रांस बट ऑल्सो ओवर द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ पीपल. कभी भी किसी के दिलो दिमाग पे कब्जा करना होता है बेटा तो हमें उनको अपनी लैंग्वेज से बोम्बास्टिक कर देना चाहिए. नॉस्टैल्जिया मतलब होता है बेटा जब हमें पुरानी यादें आती हैं भूली बिसरी. जैसे आपका अभी 12th क्लास है, तो जब आप स्कूल छोड़ के जाओगे अपना तो आपको स्कूल की पूरी पूरी यादें आती है रिकैप में ऐसे जूम करके. हाँ, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया. जब हम सैड होते हैं, जब हमें फीलिंग आती है पास्ट की, जब हम उस चीज को सोचते हैं, है ना, या फिर हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ पास्ट की कुछ ऐसी हैपनिंग्स होती है जिन्हें हम हमेशा याद रखते हैं, राइट. सो द लेसन डिपिक्ट्स हाउ आफ्टर डिफीटिंग फ्रांस इन द वॉर प्रशियंस. प्रशिया में तीन कंट्री के नाम बताओ कौन कौन से थे. प्रशिया में क्या था बेटा, गैप था ना बेटा, गैप, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड पोलैंड, है ना. जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड पोलैंड, क्लियर हुआ. माइंड एंड हार्ट वाली बात क्या होती है बेटा, पिछले के जमाने में क्या होता था बेटा, उनका मानना ये था कि अगर आप किसी कंट्री के इंसानों के ऊपर सच में रूल करना चाहते हो ना, किसी भी कंट्री के इंसानों पर सच में आप रूल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको ना उनके लोगों के दिमाग पे, है ना, दिमाग पे और दिल पे आपको राज करना होगा. जब आप कब करोगे बेटा, जब आप अपनी लैंग्वेज से उनको दूर कर दोगे, अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज, उनकी मदर लैंग्वेज से जब आप उनको दूर कर दोगे बेटा, तब आप उन पे अच्छी तरीके से वार कर सकते हो, अच्छी तरीके से रूल कर सकते हो, ऐसा बोला जाता था. समझ में आया, अभी समझ में आया. द लेसन डिपिक्स हाउ आफ्टर डिफीटिंग फ्रांस, जब फ्रांस हार गया युद्ध में बेटा, तो प्रशिया ने क्या करा, अपनी लैंग्वेज को फ्रांस पे इम्पोज कर दिया. और बिकॉज वो टेरिटरी को रूल करना चाहते थे, वो लोगों के दिमाग पे भी रूल करना चाहते थे, लोगों के दिलों में भी. बेटा दिल में तो इंसान तब बसता है जब आप अच्छे काम करते हो, ऐसे काम करके आप कभी किसी के दिल में नहीं बस सकते. अलेक्जेंडर, उसने दुनिया को हरा दिया था बेटा, पर वो कभी भी किसी की कोई उसके बारे में अच्छा नहीं बोलता था कि यार वो अच्छा बंदा है ना, लाइक दैट, ऐसे करके. हिटलर वॉज अ वेरी गुड ओरेटर, बट कभी उसको कोई नहीं बोलता कि वो बहुत ही अच्छा ह्यूमैनिटेरियन आदमी है, ऐसा नहीं था. समझ में आया, अभी क्लियर है ना. तो हार्ट्स एंड माइंड ऑफ पीपल भी आप तभी यूज कर सकते हो जब आप उनको अपनी अपनी मदर लैंग्वेज से अलग कर दोगे, अपनी मदर टंग से आप उनको दूर कर दोगे, तभी वो कमजोर पड़ जाएंगे और उनपे रूल करना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए. समझ में आया.
स्टोरी रीएनफोर्सेस द फैक्ट दैट वी वैल्यू समथिंग मोर व्हेन इट इज लॉस्ट. हम उस चीज की वैल्यू करते हैं जब वो चीज खो जाती है, राइट. हमें उस चीज की वैल्यू तब समझ में आती है जब वो चीज हमारे हाथ से खो जाती है. सपोज लेट्स टेक अ वेरी कॉमन एग्जांपल, लेट्स टेक अ वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल. जब हमारी मम्मा घर पे होती है तो हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उनको मजे में लेते हैं कि अरे ठीक है मम्मा ही तो है. पर जब वो मम्मा चली जाती है कहीं पर घर के बाहर, तब उनकी वैल्यू नजर आती है ना. हम छोटी छोटी चीजों के लिए फोन करते हैं, मम्मा मेरे सॉक्स का है, मम्मा मेरे शूज का है, मम्मा मेरे बैग का है, मम्मा मेरे बुक्स का है, मम्मा ये का है, मम्मा वो का है, करते हैं ना. जब चीज हमसे दूर हो जाती है बेटा, तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है. सिमिलरली जब यहाँ के लोगों से उनकी लैंग्वेज दूर हो गई थी, तब उनको अपनी लैंग्वेज की कदर समझ में आई, मतलब समझ में आया. समझ में आया. द स्टोरी री एनफोर्सेज द फैक्ट दैट वी वैल्यू समथिंग मोर व्हेन इट इज लॉस्ट. कोई चीज खो जाती है तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है ना. द पेन एंड एंग्विश, लोगों का गुस्सा, दे वर एक्सट्रीमली एंग्री, दे वर इन पेन, काफी दुखी थे, काफी नाराज थे वो डिसीजन से, इस डिसीजन पे काफी नाराज थे वो. ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर इज एविडेंट एज एवरीवन रियलाइजेस हाउ थिंग्स वर टेकन फॉर ग्रांटेड. कैसे हमने मजे उड़ाए, कैसे कि हमने पूरे का पूरा साल अपना खराब कर दिया, हमने पढ़ाई नहीं करी. उनको बेटा वो ऐसे फ्रेंच लोग थे जिनको फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं आती थी, है ना. तो लोग उनपे आके जब जर्मन सोल्जर्स आएंगे, जब प्रशियन सोल्जर्स आएंगे, तो कितना मजाक बनाएंगे उनपे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें अपनी लैंग्वेज तक नहीं आती है, तुम कैसे फ्रेंच पीपल हो, ऐसे करके. तो लोगों ने आज तक वो चीजें ग्रांटेड में ली, वो ऐसी समझा कि अरे ठीक है यार पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है. यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम निकल के आती है बेटा. किस चीज की थीम? प्रोक्रेस्टिनेशन की थीम निकल के आती है. प्रोक्रेस्टिनेशन की जो थीम होती है बेटा वो यहाँ पर निकल के आती है, जिसका मतलब होता है जब हम चीजों को टालने लगते हैं. टालना, किसी भी चीज को बोले है ना, कल करे सो परसों कर, परसों करे सो तरसो, क्या करेगा इतनी जल्दी करके जब जीना है बरसो, राइट. तो यार हम लोग टालते रहते हैं, यार कल पढ़ लेंगे ना, यार परसों पढ़ लेंगे, यार तरसों पढ़ लेंगे, ऐसे कर करके हम टालते रहते उस चीज को ना, उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन. क्या बोलते हैं उसको बच्चा? प्रोक्रेस्टिनेशन. समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ पर एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जो चैप्टर में आपको समझ में आएगा. समझ में आया? तो द स्टोरी री इन्फोर्सेज द फैक्ट दैट वी वैल्यू समथिंग मोर व्हेन इट इज लॉस्ट. द पेन एंड एंग्विश ऑफ स्टूडेंट, काफी लोग गुस्सा में थे, काफी एंग्विश मतलब काफी लोग गुस्से में थे, काफी लोग दर्द में थे, है ना, क्योंकि अब उनको अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही थी. नाउ दे आर रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर मदर लैंग्वेज या मदर टंग. क्लियर हुआ? पर अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत. अब पछता तो हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर इज एविडेंट एज एवरीवन रियलाइजेस हाउ थिंग्स वर टेकन फॉर ग्रांटेड. एंग्विश मतलब गुस्सा, गुस्सा, गुस्सा. The lesson emphasizes the importance of mother tongue. हमारी सबकी लाइफ में बेटा हमारी मदर टंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और मदर टंग है तभी हमारा सिग्निफिकेंस है. अगर मदर टंग है तभी हमारी आइडेंटिटी है, अगर मदर टंग है तभी हमारी आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं, है ना. बस हम उसके 5 चैप्टर्स कर रहे हैं आज फ्लेमिंगो के. यू कैन जस्ट गो बैक टू द वीडियो एंड सी. The lesson emphasizes, अभी हम last lesson कर रहे हैं, okay? The last lesson emphasizes on how important is the mother language for everyone and need to realize the fact that it is our language which gives us identity, respect and freedom. आज आप बेटा इंडिया में रह रहे हो और आप हिंदी बोलते हो अगर आप, या फिर अपनी कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, तो भाई माँ बोली अगर आप बोलते हो बेटा, तो लोग आपकी अलग रिस्पेक्ट करते हैं. जो पंजाबीज होते हैं, अगर सपोज अगर पंजाबी लैंग्वेज बोल रहे हो तो उनकी एक अलग सी रिस्पेक्ट होती है ना. आप सिंधी हो, आप एक यू नो अपनी अपनी लैंग्वेज बोल रहे हो तो एक रिस्पेक्ट होती है. एज सेम अगर आप एक इंडियन हो और आप हिंदी बोल रहे हो, है ना, हम ये सब है, ये है वो है, हिंदू है मुस्लिम है, ये सब नहीं. हम इंडियन है अगर, और हम अगर अपनी मदर लैंग्वेज बोल रहे हैं हिंदी, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, तो हमें काफी एकदम हमें प्राउड फील होता है, प्राइड वाली फीलिंग आती है उसमें, रिस्पेक्ट मिलता है हमें, आइडेंटिटी मिलती है हमें, पहचान मिलती है, और हमें फ्रीडम भी मिलती है. फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज इन आवर ओन लैंग्वेज, है ना. आपको फ्रीडम है बेटा, आप कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो इंडिया में, राइट. ये ऐसी फ्रीडम हर जगह नहीं होती. समझ में आया? मदर टंग की इंपॉर्टेंस बताई गई इस चैप्टर में. क्लियर हुआ बेटा? अभी क्लियर हुआ? समझ में आया? अब थोड़ी सी थीम मैंने आपको पहले बताई थी बेटा, शॉविनिज्म इज द थीम. और कौन सा शॉविनिज्म बेटा? ये लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म यूज करा गया. कौन सा शॉविनिज्म? लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म. शॉविनिज्म इज द डिवोशन फॉर और अगेंस्ट समथिंग जस्ट बेस्ड ऑन हाउ यू फील, नॉट नेसेसरी यू व्हाट यू नो और व्हाट यू डोंट नो. एक्चुअली शॉविनिज्म क्या होता है बेटा? अपनी चीज को सुपीरियर मान के
अपनी चीज को डोमिनेंट मान के अपनी चीज को बेटा दूसरे पे थोप देना, जबरदस्ती इंपोज कर देने को बोलते हैं शॉविनिज्म। क्या वो शॉविनिज्म बोलते हैं उसको। क्लियर? ग्रेट। तो लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म इज द आइडिया दैट वंस लैंग्वेज इज सुपीरियर टू अनदर। अपनी लैंग्वेज तुम्हारी लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज तुम्हारी लैंग्वेज से सुपीरियर है भैया, इसलिए मैं तुम पे थोप रही हूँ अपनी लैंग्वेज, इसको बोलते हैं। ये पूरे के पूरे सिस्टम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं बेटा लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। अभी क्लियर हुआ? जल्दी बोलो क्लियर हुआ कि हमारी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से सुपीरियर है, इसीलिए हम उसको जबरदस्ती दूसरों पे इम्पोज कर रहे हैं, है ना। जनरली दिस हैपेंस व्हेन द लैंग्वेज ऑफ इज दैट ऑफ रूलिंग क्लास। मतलब जो कंट्री जीती है वॉर में, जो कंट्री जीती है वॉर में, उनकी वो अपनी लैंग्वेज जो कंट्री हारी है उस पे इम्पोज कर देंगे, ये समझ के कि हमारी लैंग्वेज महान है। दिस इज कॉल्ड एज लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। अभी क्लियर है? नाउ लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म रेफर्स टू द इम्पोजिशन, इम्पोजिशन ऑफ वंस लैंग्वेज ऑन टू अदर्स। थोपना, इम्पोजिशन, इम्पोज करना, इम्पोज करना, सही है। लैंग्वेज बेटा सारे चैप्टर्स की होगी बेटा। लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु यूज़ इट। हमारी कल्चरल, हमारी सभ्यता की पहचान है, हमारी ये है वो है ना, लाइक दैट। तो द लैंग्वेज इज अ प्राइड ऑफ द कंट्री, हमारे देश का गौरव है, गर्व है हमारे देश का। एज इट डिफाइंस द कल्चरल हिस्ट्री, हमारी लैंग्वेज हमें अपनी हिस्ट्री की याद दिलाती है बेटा, हमारे इतिहास की याद दिलाती है, हमें जो हमारे ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उसकी याद दिलाती है। हमें ये सब चीजें को याद कराने में हमारी लैंग्वेज का एक बहुत ही बड़ा रोल है, है ना। इसीलिए लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताई गई है इस चैप्टर में। यहाँ के लोगों को अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस तब याद आई थी जब सब कुछ बीत चुका, सब कुछ खत्म हो चुका था, राइट। गुड आफ्टरनून अंकित, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। मैसेज क्या है बेटा, मैसेज क्या है इसकी? The story depicts the irony of the whole situation about how people feel when they do not learn their own language. अब उन्होंने अपनी मदर लैंग्वेज को तो बेटा हमेशा इग्नोर किया, हमेशा नेग्लेक्ट किया, हमेशा इग्नोर किया। अब इसका हर्जाना उनको भरना पड़ा बेटा कि अपनी लैंग्वेज है ना उनको आती नहीं थी, they do not know their language. अब उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन रह गई? इन लोगों को कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी। जो भी प्रशियन सोल्जर्स कल को आएंगे यहाँ पर, जो भी प्रशियन सोल्जर्स यहाँ पर कल को आएंगे, वो इन लोगों पे अटैक करके अपनी लैंग्वेज आराम से इम्पोज कर सकते हैं। तो वीक कैंडिडेट्स हो गए ना, ये तो वीक हो गए कैंडिडेट्स, इनको तो आसानी से हराया जा सकता है। गेम्स में क्या होता है, जो लोग वीक होते हैं उनको आसानी से हराया जाता है। आप लोग खेलते हो ना पबजी, खेलते हो ना, आपकी हेल्थ कम हो जाती है, आप लोग की हेल्थ कम हो जाती है तो भैया कोई भी आपको हेडशॉट मार सकता है ना। आपकी जब हेल्थ कम हो जाती है तो आप हेल्थ लेते हो ना, तो ये सेम चीज है। जब आपकी लैंग्वेज नहीं आती, आपके ऑलरेडी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स खत्म हो गए, है ना, आप ऑलरेडी वीक हो, आप ऑलरेडी वीक हो बेटा, तो आपको हार्म करना, आपको नुकसान पहुंचाना ज्यादा आसान होएगा। समझ में आया? आपको नुकसान पहुंचाना ज्यादा आसान होगा। ग्रेट। अब देखो जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल क्या है बेटा। द लास्ट लेसन हाइलाइट्स द ह्यूमन टेंडेंसी दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू थिंग्स, है ना। हमें हमेशा ही लगता है कि यार बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बट टाइम ज्यादा नहीं होता बेटा। हम लोग सोचते हैं ऐसा कि टाइम बहुत है, बट टाइम ज्यादा नहीं होता, है ना। हाँ, तो ये हम जो टालते रहते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं लोग, यहाँ के लोग भी ऐसे ही थे, यहाँ के लोग भी ऐसी थे बेटा। हेंस द मैन कीप्स पोस्टपोनिंग थिंग्स, पोस्टपोनिंग लेसन्स ऑफ लाइफ। हम अपने क्या करते हैं, हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेसन्स को पोस्टपोन कर देते हैं भाई, कि ये है वो है ऐसा है वैसा है, लाइक दैट, है ना। एंड ऑब्लिवियस टू द फैक्ट, हम एकदम अनजान बन जाते हैं। ऑब्लिवियस मतलब हमें नहीं पता क्या हो रहा है, जाने क्या होगा हमें नहीं पता, है ना, कुछ भी नहीं पता हमें। हाँ, यस लव बॉय, ऑब्लिवियस टू द फैक्ट दैट लाइफ इज सब्जेक्ट टू चेंज, है ना। Changes happens in life, है ना, changes happen in life, और life का नाम ही है बदलना, है ना, जिंदगी का नाम ही है बदलना, it happens, change happens, right? तो यही चीज है बेटा। आज तो पूरे दिन क्लास है अंकित, वैसे 6 बजे होती है। क्लियर हुआ बेटा ये चैप्टर? क्लियर हुआ सब लोगों को? 3-4 पॉइंट्स जो आपके मेन मेन थे वो याद हुए सबको? जल्दी बताओ मुझे।
जल्दी बताओ, थोड़ी समरी क्लियर हुई इस चैप्टर की? है ना, तो जो लोग थे एल्सिस और लॉरेंस के जो लोग थे बेटा, उन्होंने बोला कि हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है, ऐसा लगता है हमारे पास तो बहुत टाइम है, दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न द लेसन। उसने कहा बेटा ऐसा करो, ठीक है, तो लोगों को लगा कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, यही उनकी गलती थी, यहीं से वो लोग हारना शुरू कर गए बेटा, यही लोग हार गए। देखो अब क्या हुआ, उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्होंने कहा स्कूल वो कौन जाएगा, एक काम करो बच्चों तुम पैदा हो चुके हो, अब तुम जाओ फार्म्स में जाओ, मिल्स में जाओ, वहां पर जाओ और पैसा कमा के लाओ, वी वॉन्ट मनी, है ना, हमें पैसा 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 पैसा। बेटा उस दिन भी बताया था मैंने कि आयरनी और आयरोनिकल मतलब क्या होता है, आयरनी मतलब होता है जब कोई चीज बिल्कुल हम उल्टी बात कर रहे होते हैं, है ना। अब यही तो एक आयरनी थी, लोगों को एहसास तब हुआ उस चीज का जब वो उसको खो चुके थे, किसी चीज की वैल्यू तब आई जब उनसे वो चीज छिन चुकी थी बेटा, दैट वाज सो आयरोनिकल। तब से एम हैमिल बताते बेटा, इसमें जो करेक्टर्स है मैं थोड़ा सा करेक्टर्स के बारे में बता दूं बेटा, एक तो आपका फ्रांस है इसमें करेक्टर, है ना, फ्रांस नाम है उसका, एक हमारे एम हैमिल है मेन करेक्टर, ठीक है, और एक ब्लैक स्मिथ वॉचर भी है ना, ब्लैक स्मिथ वॉचर भी है इसमें, ठीक है, ये चीज है काइंड ऑफ, है ना, कि यार आयरनी मतलब क्या होता है बेसिकली, व्हेन यू आर दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो बेटा, एंड आप बोल रहे हो कि ये दोनों चीजें कितनी कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब मैंने बोला कि इंडिया जो है वो बिगेस्ट सप्लायर, लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ग्रेन्स है, बाहर की कंट्री को हम लोग अनाज भेज रहे हैं बट यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं, दोनों की दोनों सिचुएशन कितनी ऑपोजिट है ना, कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन नहीं है ये, मतलब व्यंग है एक तरीके से, एक तरीके से व्यंग है कि हम लोग दूसरी कंट्रीज को तो उनका पेट पाल रहे हैं, उनका उनको कोई भी भूखा नहीं छोड़ रहे, पर अपनी कंट्री को नहीं देख रहे, अपनी कंट्री के लोग भूखे हैं, समझ में आया? ग्रेट, सो द पीपल ऑफ एल्सिस ऑलवेज थॉट दैट दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न द लेसंस, देयरफॉर दे डिड नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू स्कूल, उन्होंने स्कूल्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्होंने निग्लेक्ट किया, है ना, दैट इज सो आयरोनिकल। अब वही स्कूल के पीछे वो भाग रहे हैं जिस चीज को पहले मना करा, है ना। अच्छा मूवीज कौन कौन देखता है, मूवीज कौन कौन देखता है, जल्दी बताओ मूवीज कौन कौन देखता है, क्या होता है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में मतलब एक बहुत फनी एग्जांपल दे रही हूँ, स्टार्टिंग में क्या होता है हीरो एकदम से ना मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा होता, गुड लुकिंग सा नहीं होता, है ना, फिर वो एकदम से क्या होता है कि उनका ब्रेकअप हो जाता है ना, लड़की आती है तुम इतने सुंदर नहीं हो, तुम इतने हैंडसम नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, कहते हैं है, फिर क्या होता है फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है ना, फिर क्या करता है हीरो अपने पे काम करना शुरू करता है, एकदम हैंडसम हैंडसम बॉडी बॉडी बना लेता है ना, थोड़ी मेहनत करते हैं, है ना। तो देखो फिर वो अपनी हीरोइन के सामने जाता है, फिर वो अपनी यू नो उसके सामने जाता है, फिर वो देख के कहती है अरे ये तो वही लड़का है जिसको मैंने कल मना किया था, होता नहीं होता, वो जब उसके साथ था तो उसको कदर नहीं थी, अब वो उसको छोड़ के चला गया तो वो उसके साथ जाना चाहती है, तो हाउ आयरोनिकल, हाउ आयरोनिकल इट इज, अभी समझ में आया? क्लियर हुआ नहीं भाई, इस एग्जांपल से तुम्हें समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया, जल्दी बताओ यस और नो, हेलो 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 हेलो। The people of Athens always thought that they had plenty of time to learn the lessons. Therefore, they did not give much importance to school, and they preferred children to work in farms and mills. वो चाहते थे कि उनके बच्चे farms में काम करें, mills में काम करें, ताकि उनको रोकड़ा मिले, ताकि उनको अपना सपना money money पैसा मिले उनको. France is afraid of going to school as he has not learned participle. उस दिन क्या हुआ बेटा, घर से निकलते कुछ दूर चलते उसको याद आया, हे माँ माता जी आज तो मेरा एग्जाम है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। हम लोग तो अपने दोस्तों के सहारे चले जाते हैं बेटा एग्जाम में, बट फ्रांस का दोस्त जो थे ना वो भी ऐसे ही थे, ऐसे ही थे, है ना, उसको लगा भाई मैं क्या करूंगा, मैंने तो पढ़ाई करी नहीं, और एम हैमिल तो मुझे आज कूट देंगे पकड़ के, एम हैमिल तो मेरी इतनी चटनी बनाएंगे ना, इतना मारेंगे मुझे, इतनी धुनाई करेंगे मेरी
कि मुझे सब कुछ याद आ जाएगा, है ना। प्रांस डर रहा था कि यार स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि टेस्ट है, पार्टिसिपल्स का टेस्ट है, पार्टिसिपल इज अ ग्रामर टॉपिक, ठीक है। और एम हैमिल जो थे बेटा, उनके फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे, तो पार्टिसिपल टॉपिक का टेस्ट था, ठीक है, पार्टिसिपल टॉपिक का टेस्ट था। और फ्रांस की बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुल थी बेटा, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पढ़ाई करी थी, राइट। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, है सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। एक्चुअली उसको ना मन करा था कि इतना प्लेजेंट वेदर है यार, स्कूल कौन जाएगा, इतने मस्त मस्त नजारे मिल रहे हैं, और आज तो लगता है ना बंक कर दू स्कूल, है ना। कभी कभी हम लोगों ने भी बंक करा होता है ना स्कूल, स्कूल बंक करके इधर उधर घूमने चले जाते हैं हम लोग। Yes, so he wants to enjoy the beauty of nature, bright sunshine, एकदम खिली खिली धूप थी, है ना, birds एकदम चहचहा रही थी, whoo, चुक 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 चुक, tweet 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 tweet, ऐसे करके woods में, woods बोले तो forest, woods बोले तो forest। Prussian soldiers क्या करते बेटे, drilling कर रहे थे, drilling बोले तो exercise कर रहे थे। और उसने सारे temptations को एक किनारे करा और बोला कि नहीं मैं school जाऊंगा, I will go to school। आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो। जैसे ही वो घर से चला बेटा, लेट निकला था वो, उसने देखा कि भाई बुलेटिन बोर्ड के पास टाउन हॉल पे एक बुलेटिन बोर्ड था, टाउन हॉल पे एक बुलेटिन बोर्ड था, जहां बुलेटिन बोर्ड क्या होता है बेटा, एक तरीके का नोटिस बोर्ड, जहां पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोटिसेस लगाए जाते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोटिसेस लगाए जाते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड ऑल द बैड न्यूज, अभी तक बुलेटिन बोर्ड पे सारी की सारी बुरी खबर लगी हुई थी, जो हम बैटल, जो हम वॉर्स को हार गए थे उसकी इंफॉर्मेशन लगी थी, कोई भी ऑर्डर्स आते थे, ड्राफ्ट आते थे वो लगते थे, कमांडिंग ऑफिसर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते थे वो लगते थे, राइट। उसने सोचा कि यार अब कौन सी बड़ी खबर आ गई, अब मतलब इतनी भीड़ है यहाँ पर, इतना सारा क्राउड था, बहुत भीड़ थी टाउन हॉल पे, बहुत भीड़ थी, ठीक है। उसने कहा यार इतनी भीड़ क्यों है, अब क्या आ गया, अब कौन सा, अब बेटा क्या हुआ था यहाँ पर, क्या आया था, द चेंजेस ही नोटिस इन द स्कूल। अब उसको रास्ते से ना कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखी, रास्ते से ही उसको अजीब अजीब सी चीजें दिखी बेटा। पहली बात तो क्या दिखा उसको, टाउन हॉल पे भीड़ थी, टाउन हॉल पे बहुत ज्यादा क्राउड था। फिर रास्ते में उसको ब्लैकस्मिथ वॉचर मिलता है, उसको रास्ते में ब्लैकस्मिथ वॉचर मिलता है, वो बोलता है एक बात बताओ तुम इतने जल्दी में कहां जा रहे हो, आज तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है। उसको लगा कि वॉचर जो था ब्लैकस्मिथ बोले तो लोहार, मुझे लगता है कि ये ना मेरा मजाक बना रहा है, शायद ये मेरा मजाक बना रहा है कि आज तो बहुत टाइम है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, है ना, पर मैं तो लेट हो रहा हूँ, तो उसको लगा, उसने कहा चल फॉरगेट इट। इंस्टेड ऑफ नॉइजी, अब उसने बेटा बहुत सारे चेंजेस नोटिस करे, उसने बहुत सारे चेंजेस नोटिस करे। नंबर वन, इंस्टेड ऑफ नॉइजी क्लासरूम एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, है ना। एक क्लियर हुआ, हाँ जी, जैसे कि क्लास जब हमारा स्कूल शुरू होता है उसमें बहुत सारी आवाज आती है ना, कमोशन की आवाज आती है, चलने फिरने की आवाज आती है, पैरों की आवाज आती है, हाव हाव जो हम लोग चिल्लाते हैं कभी कभी हम कॉरिडोर्स में, हो वाह एग्जाम हॉल है मेरा दोस्त, चिल्लाते ना वो सब आवाजें, उसको आज नहीं आ रही थी। उसने कहा यार क्या मैं संडे को स्कूल आ गया हूँ, कि ही वाज स्क्रैचिंग हिज हेड। उसने कहा भैया शायद मैं संडे को आज स्कूल आ गया हूँ, शायद मुझे लग रहा है कि संडे आज। टीचर ने उसको डांटा नहीं, एम हैमिल जो एक नंबर के खड़ूस टीचर थे, है ना, ब्लैकस्मिथ मतलब होता है लोहार, लोहार है ना, गोल्डस्मिथ मतलब सुनार और ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार। एम हैमिल ने उसको डांटा नहीं, उसने कहा अरे प्रांस तुम आ गए, चलो बैठो सीट पे, तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम एंड टोल्ड हिम वेरी काइंडली गो टू हिज सीट, एंड टीचर वाज ड्रेस्ड इन अ संडे बेस्ट अटायर, है ना, उसने बेस्ट कपड़े पहने हुए थे बेटा। उसने चेंजेस देखे आपको, सबसे पहला चेंज क्या था बेटा, सबसे पहला चेंज था कि नॉइजी क्लासरूम के बदले आज एकदम ऐसा लग रहा था कि संडे मॉर्निंग है। दूसरी चीज क्या थी, टीचर ने उसको डांटा नहीं, मतलब काइंडनेस, स्ट्रेंज काइंडनेस, स्ट्रेंज साइलेंस, स्ट्रेंज काइंडनेस, स्ट्रेंज साइलेंस, ठीक है। द टीचर ड्रेस्ड इन हिज संडे बेस्ट अटायर, अटायर मतलब होता है ड्रेस, है ना, तो बेटा अपने संडे को मतलब जैसे वो संडे बेस्ट अटायर मतलब क्या होता है, स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी उसने, स्पेशल ड्रेस पहनी थी, ठीक है। आज पोलाइट बिहेवियर था एम हैमिल का, और आज वो कपड़े भी एकदम सज वज के आए थे, है ना, क्योंकि आज कुछ स्पेशल ओकेजन है क्या, ये ड्रेस तो वो तब पहनते हैं जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, ये ड्रेस तो एम हैमिल तब पहनते हैं या तो कोई स्पेशल ओकेजन होता है, या तो कोई स्पेशल ओकेजन होता है, या फिर प्राइस डेज होते हैं, या फिर इंस्पेक्शन होता है, ये तो तब पहनते हैं कपड़े,
ये आज क्यों पहने हैं इन्होंने? ठीक है, द लास्ट बेंचेस बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द विलेजर्स। लास्ट, अब उसने एक और चीज देखी बेटा, एक चीज और देखी कि लास्ट के जो बेंचेस है वहां पर विलेजर्स बैठे हुए, वहां पर विलेजर्स बैठे हुए, वो क्यों आए थे बेटा? वो आए थे बेटा टू पे ट्रिब्यूट। एक्चुअली माजरा क्या था बेटा, बर्लिन से आ चुका था नोटिस, बर्लिन से आ चुका था नोटिस, हेडक्वार्टर्स थे बर्लिन में, हेडक्वार्टर से नोटिस आ चुका था कि आज के बाद फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं दो, कौन कौन से, एल्सेस और लॉरेन, वहां पर क्या पढ़ाया जाएगा, वहां पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, वहां पर क्या पढ़ाया जाएगा बेटा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, आज के बाद वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। क्लियर हुआ? तो नाउ दे हैव कम टू पे ट्रिब्यूट, थैंक यू बोलने के लिए आए थे बेटा, वो क्या बोलने के लिए आए थे, थैंक यू बोलने के लिए आए थे एन हैमिल की 40 साल की सिंसियर सर्विस को, 40 इयर्स से बेटा डेडिकेशन से एम हैमिल उसी स्कूल में काम कर रहे थे बेटा, एंड ऑल्सो एक्सप्रेस देयर सॉलिडारिटी विद फ्रांस, है ना, समझ में आया? सॉलिडारिटी विद फ्रांस का मतलब क्या है बेटा, कि यार उनको फ्रेंच लैंग्वेज से काफी लगाव था, काफी क्लोज थे वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के, है ना, समझ में आया? क्लियर हुआ? एम हैमिल मेकिंग द अनाउंसमेंट, उन्होंने एम हैमिल ने बोला कि हेलो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपकी आखिरी क्लास है, एक्चुअली काफी रिलेटेबल सिचुएशन है। एनीवेज तो एम हैमिल ने बोला कि बच्चों ये आप सोचो कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसने बोला कि एम हैमिल ने बोला कि ये तुम्हारी लास्ट फ्रेंच क्लास है। एम हैमिल मेकिंग द अनाउंसमेंट दैट इट वुड बी द लास्ट फ्रेंच लेसन। सपोज मैं बोल दूं तुम्हें कि बच्चों ये तुम्हारी आखिरी इंग्लिश की क्लास है आज, समझ रहे हो, ऐसा अगर मैं तुम्हें बोल दूं तो सब लोग ये सोचेंगे हैं मैम मतलब हुआ क्या। तो वैसे ही वहां पर सब बच्चों के एकदम होश उड़ गए थे कि भाई ये क्या बोल रही है एम हैमिल, और फ्रांस कह रहा भाई मैंने तो अभी पढ़ना शुरू किया है, मैं कहां जाऊंगा, मैं किससे पढ़ूंगा, मैंने तो अभी भी पढ़ना शुरू किया है। एम हैमिल मेकिंग द अनाउंसमेंट दैट इट वुड द लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रांस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट वॉज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। उसने कहा अच्छा अब समझ में आया टाउन हॉल के पास क्यों भीड़ थी, अब समझ में आया कि भाई टाउन हॉल के पास क्यों भीड़ थी, अब समझ में आया कि आज वॉचर ने मुझे ऐसा क्यों बोला, ब्लैकस्मिथ ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि मेरे पास बहुत टाइम है, अब समझ में आया कि स्कूल ऐसा साइलेंट क्यों था, अब समझ में आया कि एम हैमिल अच्छे अच्छे कपड़े पहन के क्यों आए थे, अब समझ में आया कि एम हैमिल मुझसे नाराज क्यों नहीं थे, अब समझ में आया कि एम हैमिल ने मुझे डांटा क्यों नहीं, है ना, सब चीजें उसको समझ में आ गई थी धीरे धीरे। ठीक है, ओके नाउ ही गॉट इट। अब उसने पूरी कॉन्सेंट्रेशन से सुना, उसने बेटा उसके लिए ये सब जो वर्ड्स थे वो थंडर क्लैप थे। थंडर क्लैप मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज शॉक लगा 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 शॉक लगा, जब शॉक लगता है ना हमें शॉक लगता है ना बेटा किस चीज का, शॉक शॉक शॉक, है ना, तो उसको बोलते हैं थंडर क्लैप। ठीक है, फ्रांस रियलाइजेस दैट ही डज नॉट नो हिज ओन लैंग्वेज एंड ही रिग्रेटेड कि यार मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मैंने अपने लेसन को सीरियसली क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, हाँ प्रतिमा होंगे बेटा, मे बी नहीं होंगे, मैम है तो कराएंगी मैम। Also realizes the reason why the teacher was dressed up in the Sunday best and villagers were sitting in the back. सब चीजों की उसको समझ में आ गई कि अच्छा 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 ये शांति जो थी वो इसलिए थी, ये तूफान आने वाला था, ये तूफान से पहले की शांति थी, है ना। Now he got it that why everything was, why it was there. Good afternoon Manshika, good afternoon. ठीक है, तुम्हारे लिए नई स्लाइड्स बनाई है मैंने, देखो अच्छे से पढ़ लो आराम से, ठीक है ना, सब पीडीएफ दे दूंगी तुम लोग को, आराम से पढ़ लेना अपना, ठीक है ना, और डिस्टर्ब मत करना पढ़ाई अपनी कभी भी। चलो ग्रेट। एम हैमिल रियलाइजेस दैट ऑल थ्री द चिल्ड्रन द पेरेंट्स एंड ही हिमसेल्फ आर टू बी ब्लेम्ड फॉर लूजिंग रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर मदर लैंग्वेज, है ना। उसने क्या बोला कि यार एम हैमिल ने रियलाइज किया कि तीनों के तीनों तुम निकम्मो, तुम तीनों की वजह से मैं खुद भी रिस्पॉन्सिबल हूं, ताकि मेरे बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, अगर तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज के लिए। गुड आफ्टरनून वंशिका। तो वैसे ही एम हैमिल एक बहुत ही अच्छे टीचर थे, उन्होंने ब्लेम अपने पे भी लिया, दूसरों पे दोषारोपण करने के अलावा उसने अपने पे भी ब्लेम लिया। क्या बोला, हाँ मेरे लिए भी थी यार, मेरे लिए भी थी। एम हैमिल रियलाइजेस दैट ऑल थ्री, कौन कौन, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, और उसने अपने आप को खुद, हिमसेल्फ, तीनों को सीपीएच, है ना, ऐसे करके
ऐसे करके उसने तीनों को ब्लेम किया कि भैया हम तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि बच्चे क्यों, पेरेंट्स क्यों, क्योंकि पेरेंट्स ने अपने बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी उनको खेतों में भेजना समझा, पैसे कमाना समझा, बच्चों ने क्योंकि बच्चों ने तो मौज करी बेटा, बच्चों ने तो मौज करी, मैं क्यों, क्योंकि जब मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता था तो मैं तुम्हें अपने फार्म्स पे क्या करता था बेटा, मैं पानी अपने पौधों को पानी डालने के लिए भेज देता था तुम्हें, ठीक है, और मैं तुम्हें ये करता था ये करता था ऐसे कर, समझ में आया, हाँ, तो मैं तुम्हें खेतों पे पानी डालने के लिए भेज देता था, या फिर जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था, है ना, तो मैं कहता था जाओ बच्चों छुट्टी हो गई, जाओ जाके ऐश करो मौज करो, है ना, समझ में आया। तो उसने बेटा अपने आप को भी ब्लेम किया। एंड हैमिल रियलाइजेस ऑल थ्री दैट द चिल्ड्रन पेरेंट्स एंड ही हिमसेल्फ आर टू बी ब्लेम फॉर लूजिंग रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर द मदर लैंग्वेज। हाँ मेरी भी गलती है, मैंने तुम्हें मदर लैंग्वेज इतने प्यार से नहीं पढ़ाई। ऑलवेज कीप योर मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट एज इट इज द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। उसने बोला कि अगर किसी इंसान के पास अपनी मदर लैंग्वेज का ज्ञान है तो उसके पास तो चाबी है। किस चीज की चाबी की बात कर रहे थे वो लोग, है ना, उसने कहा ये तो चाबी है तुम्हारे पास। किस चीज की चाबी बेटा, किसी भी प्रिजन से बाहर निकलने की, स्लेवरी के प्रिजन से, कोई भी इन आपको किसी ने कैप्चर कर लिया आप उससे बाहर निकल सकते हो, आप किसी भी जेल से किसी भी प्रिजन से आप बाहर निकल सकते हो, क्योंकि हाँ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड काफी सेम है। यस यस यस, ऑलवेज कीप योर मदर, उसने बोला कि अपने मन के करीब रखना अपनी मुंह बोली को, माँ बोली को, क्योंकि वो ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। Key to freedom, yes, key to prison of slavery, or it was a key to freedom. चल समझ गया ना? हाँ, key to freedom, बिल्कुल सही। अब देखो, अब क्लास में एटमॉस्फेयर कैसा था बेटा? टीचर तो पढ़ा रहा था आराम से, पेशेंटली पढ़ा रहा था, एकदम मस्त करके पेशेंटली सिंसियरली पढ़ा रहा था, आज गुस्सा भी नहीं करा उसने, टेम्पर भी अपना लूज नहीं करा, है ना, आज आराम से, बच्चे भी उसको आराम से सुन रहे थे बेटा, बच्चे भी सिंसियर होके, मतलब क्लास में एकदम सिंसियरिटी का माहौल था, एकदम डेडिकेशन से हर कोई पढ़ाई कर रहा था, है ना। एम हैमिल ने अपना टेम्पर लूज करे बिना पढ़ाया आज, बहुत ही पोलाइटली बोल रहे थे वो, तो बच्चों को लगा आज चांद कहां से निकला, सूरज कहां से निकला, क्योंकि ये चीज थी, क्योंकि आज उनकी आखिरी क्लास थी, है ना। तो फ्रांस वंडर सरकास्टिकली इफ प्रशियंस कुड फोर्स पिजन्स टू कू इन जर्मन लैंग्वेज एज वेल। उसने बोला क्या पिजन्स को भी बोलेंगे, हेलो मिस्टर पिजन, तुम्हें ना फ्रेंच लैंग्वेज में गुटरगू गुटरगू नहीं करना, तुम्हें ना जर्मन लैंग्वेज में करना है गुटरगू गुटरगू, ऐसे करके। आज की स्लाइड अच्छी है, थैंक यू, मैं वो अभी मतलब रात से बना रही हूँ। इनफैक्ट फ्रांस वंडर सरकास्टिकली, उसने कहा यार कितना सरकास्टिकली है ये, मतलब लोगों पे तो डाल सकते हैं इस चीज का, है ना, लोगों पे तो डाल सकते, ठीक है, हाँ लोगों पे तो डाल सकते हैं अपनी लैंग्वेज को, क्या एनिमल्स पे भी इम्पोज करेंगे, क्या नेचर पे भी इम्पोज करेंगे, हवा है प्लीज अपना तुम ना जर्मन लैंग्वेज में चलना, ओ पेड़ प्लीज जर्मन लैंग्वेज में तुम पत्ते निकालना, ओ बर्ड तुम ना जर्मन लैंग्वेज में गुटरगू करना। तो फ्रांस ने बोला कितनी बेवकूफी है, ये लोग पागल है क्या ये लोग, प्रशियंस कुड फोर्स पिजन्स टू कू इन जर्मन एज वेल, क्या पिजन्स को विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, ये बोला उसने, ठीक है, उसने ये बोला कि क्या पिजन्स को बोलेंगे, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या पिजन्स को भी बोलेंगे कि भैया जर्मन लैंग्वेज में गुटरगू करो तुम लोग, समझ में आया। एंड हैमिल एकदम इमोशनल हो गए बेटा, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, है ना, उनकी आवाज एकदम चोक हो गई, काफी फैमिलियर लग रहा है उनकी आंखों में एकदम से आंसू आ गए, उन्होंने बोला कि मैं काफी अटैच हो गया तुम लोगों से, एंड ये तुम्हारा आखिरी दिन है, बड़ा बड़ा उसने बोर्ड पे लिख दिया ऐसे करके वीवा ला फ्रांस, है ना, ऐसे करके वीवा ला फ्रांस कर दिया। मतलब ये चीज कितना ज्यादा सरकास्टिक था ना, कि इंसान का मतलब उसने हंस के बोला ये चीज अच्छा ह्यूमंस भी तो डाल दिया लैंग्वेज को, क्या ये उसको भी बोला, क्या ये पिजन्स को बोलेंगे, हेलो मिस्टर पिजन तुम्हें भी जर्मन लैंग्वेज में गुटरगू करनी है, तो इट इज व्हाट सरकास्टिक ओनली, इट इज ओनली सरकास्टिक ओनली। तो उसने बोला कि कितना सरकास्टिक ये सारे डिसीजन और ये सब क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इंसान पे तो तुम्हारा जोर चलेगा बट एनिमल्स पे तुम्हारा जोर, प्लांट्स पे तुम्हारा जोर नहीं चलेगा, समझ में आया।
एम हैमिल ओवरकम विद इमोशंस, ही कुड नॉट स्पीक, वो कुछ नहीं बोल पाए, वो कुछ नहीं लिख पाए, राइट ऑन द ब्लैकबोर्ड कुछ नहीं लिख पाए, उसने सिर्फ इतना लिखा वीवा ला फ्रांस, मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, जुग जुग जिए फ्रांस, जुग जुग जिए, सबके अंदर एकदम इनकलकेट कर गए थे, इनके मतलब बसा गए थे, क्या चीज, भावना ऑफ पेट्रियोटिज्म, किस चीज की भावना बेटा, पेट्रियोटिज्म की भावना को सबके अंदर इंस्टिल कर चुके थे, इंस्टिल मतलब इनकलकेट, इसको इंस्टिल भी बोलते हैं, है ना, किस सबके अंदर एब्जॉर्ब करा गए थे वो, किस चीज की भावना, भावना ऑफ पेट्रियोटिज्म, समझ में आया। हाय दर्शिता, हाय प्रतिमा, हाय मोनिका, हाय मोनिका, हाउ आर यू, ठीक है, ये चैप्टर समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े। अब इंडिगो पढ़ लेते हैं एक बार, है ना, अब इंडिगो पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि लॉस्प्रिंग हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार, मतलब गदर पढ़ा है, मतलब इतना ज्यादा गदर पढ़ा है ना। पेट्रियोटिज्म क्या होता है बेटा, देशभक्ति, देशभक्ति की भावना होती है पेट्रियोटिज्म। मैं बहुत अच्छी हूं, थैंक यू सो मच, चले इंडिगो पढ़े, रेडी बेटा। ये इंडिगो क्या होता है बेटा, मोहे रंग दो लाल नहीं बेटा, ये नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता, कोई बात, अब पढ़ेंगे ना कृति, अब पढ़ेंगे ना, ठीक है, स्टार्ट करें। बेसिकली बेटा इंडिगो लिखा है लुई फिशर ने, ये स्टोरी किसने लिखी है बच्चा, ये स्टोरी लिखी है लुई फिशर ने, ठीक है। तो आखिर ये स्टोरी लिखी क्यों है बेटा, ये हमारी कंट्री में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी बेटा, ये उसकी एक गाथा है ना, इंडिगो उसकी एक गाथा है। मैं आपको थोड़ा सा इसके चैप्टर के बारे में बताना चाहती हूँ, सब लोग रेडी हैं, स्टार्ट करें ना बेटा, हाय बच्चा, ठीक है। बेसिकली ये जो स्टोरी है बेटा, इट इज बेस्ड अपॉन द इंटरव्यू, है ना, ये एक इंटरव्यू के बेसिस पे, किसका इंटरव्यू हुआ था, क्या हुआ था, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। बेसिकली जो लुई फिशर थे ना, जो लुई फिशर थे, ध्यान से सुनना, ठीक है, या तो द स्टोरी इंटरव्यू, बेसिकली जो एक ये इंडिगो स्टोरी है, इट इज बेस्ड अपॉन द इंटरव्यू, किसका इंटरव्यू हुआ था बेटा, लुई फिशर ने महात्मा गांधी का इंटरव्यू लिया था, है ना, क्या लिया था बेटा, महात्मा गांधी का इंटरव्यू लिया था बेटा, जब उनसे वो मिलने के लिए आए थे, कहां पर, सेवाग्राम आश्रम में, है ना, सेवाग्राम आश्रम में जब उनसे मिलने के लिए आए थे अहमदाबाद में 1942 में, तब उनसे उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था, और तब बोला था उनसे कि यार क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तब से इंडिगो मूवमेंट के ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है, इंडिगो जो मूवमेंट चला था बेटा उसके ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है। यहाँ पर बताया गया है द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द स्ट्रगल्स बेसिकली डन बाय महात्मा गांधी एंड द अदर प्रोमिनेंट लीडर्स जस्ट टू सेव गार्ड द लाइफ ऑफ शेयर क्रॉपर्स, है ना, शेयर क्रॉपर्स की लाइफ को ठीक करने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, महात्मा गांधी हो गए, चाहे वो जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हो गए, सबकी जो लड़ाई थी ना वो यही थी कि शेयर क्रॉपर्स को न्याय मिले, है ना। थोड़ा सा अब इसके बारे में पढ़ते हैं, द स्टोरी इज बेस्ड अपॉन द इंटरव्यू, है ना, समझ में यहाँ तक तो समझ में आया ना, थोड़ा इसके पॉइंट्स बना बना के पढ़ते हैं फटाफट। स्टोरी किस पे बेस्ड है बेटा, ये इंटरव्यू के बेस्ड है, किसका इंटरव्यू किसने लिया था बेटा, ये लुई फिशर ने इंटरव्यू लिया था, किसका, महात्मा गांधी का इंटरव्यू लिया था, है ना, कब की बात है, 1942 की बात है, और क्या हुआ था बेटा, जब उनके आश्रम में सेवाग्राम आश्रम जो था उनका, सेवाग्राम आश्रम में मिलके गए, जहां पर ये इंडिगो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इंडिगो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इस स्टोरी में बेटा स्ट्रगल्स बताई गई हैं, किसकी स्ट्रगल्स बताई गई हैं, महात्मा गांधी ने प्लस बहुत सारे लीडर्स ने मिलके क्या करा बेटा, शेयर क्रॉपर्स के लिए लड़ाई करी, क्या लड़ाई करी बेटा, शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं, शेयर क्रॉपर्स वो लोग होते हैं जिनके पास अपना पीस ऑफ लैंड तो होता नहीं है, वो ये लैंड किराए पे लेते हैं बेटा, रेंट पे लेते हैं और उस पे क्रॉपिंग करते हैं, जब इसके क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं बेटा, तो वो क्या करते हैं,
लैंड का कुछ पोर्शन, सपोज लैंड का इतना पोर्शन वो एज अ रेंट दे देते हैं, इस पोर्शन में जितनी भी फसल होती है, इस पोर्शन में जितने भी क्रॉप्स होते हैं वो एज अ रेंट दे देते हैं बेटा, ये इन लोगों को बोलते हैं शेयर क्रॉपर्स, अपना शेयर एज अ रेंट दे देते हैं किसको, लैंड लॉर्ड्स को, है ना, लैंड लॉर्ड्स को। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे बेटा वो इन लोगों पे बहुत सारा अत्याचार कर रहे थे, है ना, दे वर टॉर्मेंटिंग दीज पीपल, लाइक दे वर बीइंग अट्रोशियस, है ना, अट्रोशियस मतलब क्या होता है, क्रूअल, तो दे वर लाइक अट्रोशियस टूवर्ड्स दीज पीपल, A-T-R-O-C-I-O-U-S, atrocious towards these sharecroppers, poor sharecroppers के लिए, है ना, ये लोग काफी ज्यादा ऐसे ही थे, मतलब काफी problems create कर रहे थे उन लोगों के लिए, है ना, एक गंदा सा इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्ती इन लोगों के अंगूठे लगवा लिए थे बेटा, क्यों, क्योंकि ये लोग तो अनपढ़ थे, है ना, these people were illiterates, ये लोग illiterates थे, है ना, इन लोगों को इतनी समझ तो थी नहीं, इन लोगों को इतनी समझ तो थी नहीं, अब इन लोग क्या करें बेटा, जबरदस्ती इंडिगो जो कॉन्ट्रैक्ट था इनका, इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट था उस पर जबरदस्ती इन लोगों के अंगूठे लगवा लिए, स्टैंप थंब स्टैंप लगा लिए, थंब प्रिंट लगवा लिए, है ना, और उनपे क्या लिखा था बेटा, उस पर लिखा था कि अपने लैंड का आप एक परसेंटेज आप उस पर इंडिगो ग्रो करोगे। अब प्रॉब्लम क्या थी, जब मैं बोल रही हूँ कि इंडिगो एक कैश क्रॉप था, इंडिगो एक कैश क्रॉप था, मतलब इससे काफी ज्यादा पैसा मिलता है, इससे काफी ज्यादा पैसा मिलता है, बट द प्रॉब्लम इज दैट जब भी ये फार्मर्स बेचारे इंडिगो ग्रो करते थे बेटा, जिस लैंड पे इंडिगो ग्रो होता था वो लैंड हो जाता था बैरन, है ना, उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसी आ जाती थी, किस चीज की बेटा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और वो बंजर हो जाता था, वो धरती बंजर हो जाती थी, वो धरती खराब हो जाती थी, समझ में आया, मतलब जिस लैंड पे इंडिगो ग्रो करेगा वो लैंड टर्न हो जाएगा किस चीज में बेटा, वो लैंड टर्न हो जाएगा बैरन लैंड, है ना, वो बंजर धरती हो जाएगी, समझ में आया, है ना, तो इसीलिए लोग उसको उगाना प्रेफर नहीं करते थे, है ना। लुई फिशर जब गांधी जी से मिले 1942 में सेवाग्राम आश्रम में, तो गांधी जी ने बेटा बताया उनको कि यू नो मैं ब्रिटिशर्स का डिपार्चर करवा के रहूंगा, है ना, ब्रिटिशर्स का डिपार्चर करवा के रहूंगा। हाँ, 8th क्लास की हिस्ट्री है, कुछ कुछ बेटा इसमें मेन कैरेक्टर्स है हमें थोड़े से पढ़ने हैं, जो कि नंबर वन है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ये कौन है बेटा, ये पुअर एक शेयर क्रॉपर है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। चंपारण सबको पता है कहाँ पर है, चंपारण बिहार, राइट, एंड विजिटिंग टू मीट गांधी जी, मतलब ये काफी विश कर रहे थे कि यार गांधी जी से मुलाकात हो जाए, कैसे भी करके मुलाकात हो जाए, राजकुमार शुक्ला, है ना। अब गांधी जी गए बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनुअल कन्वेंशन में, एनुअल कन्वेंशन में जब वो गए तब लखनऊ, तब इनको पकड़ लिया वहां पर कि मैं चाहता हूं, मैं एक राजकुमार शुक्ला हूं, मैं एक पुअर किसान हूं, शेयर क्रॉपर्स हूं, पुअर पीजेंट, बहुत ही गरीब किसान हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चंपारण में आए, चंपारण का नाम भी नहीं सुना था, चंपारण में आए और मेरे यहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है लोगों के ऊपर, है ना, अत्याचार हो रहा है लोगों के ऊपर, आप इसको सही करें, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे शेयर क्रॉपर्स भाई बहनों को इस गंदे से इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कराएं, इसको खत्म करें, है ना, समझ में आया। अब बेटा राजकुमार शुक्ला भले ही इलिटरेट था बट ही वॉज वेरी मच रेजोल्यूट, रेजोल्यूट मतलब क्या होता है, टफ, बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड था, उसका सोच जो थी बेटा बहुत ज्यादा पक्की सोच का आदमी था, वो बहुत ज्यादा पक्की सोच का आदमी था, है ना, ही वॉज इलिटरेट, ही वॉज रेजोल्यूट, इलिटरेट मतलब जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, इलिटरेट एंड यू नो रेजोल्यूट, हेंस फॉलोड गांधी जी टू लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कैलकटा, पटना, मुजफ्फरपुर एंड देन चंपार, है ना, ठीक है। LCACPM, LCACPM याद कर लो, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कैलकटा, पटना, मुजफ्फरपुर एंड देन चंपारण, LCACPM, एनुअल कन्वेंशन मतलब होता है एनुअल मीटिंग, है ना, एनुअल मीटिंग को बोलते हैं एनुअल कन्वेंशन, समझ में आया, क्लियर। तो राजकुमार शुक्ला भले ही इलिटरेट थे बट उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, मतलब ही वॉज लाइक अ फेविकॉल, जहां जहां गांधी जी वहां वहां राजकुमार शुक्ला, जहां जहां गांधी जी वहां वहां राजकुमार शुक्ला, ऐसे करके चिपकू मूवमेंट की तरह चल रहे थे वो लोग, है ना, कहां कहां गए बेटा, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कैलकटा, पटना, मुजफ्फरपुर एंड देन चंपारण, ठीक है। चलो सर्वेंट्स जो थे, अब क्या हुआ बेटा, उन्होंने सोचा कि हम लोग राजेंद्र प्रसाद के घर पे जाते हैं,
ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद के घर पे जब गए तो राजेंद्र प्रसाद वहां पर बेटा एक लॉयर थे, एक बहुत ही एफ्लुएंट लॉयर थे बेटा, है ना। लॉयर समझते हो ना, एफ्लुएंट लॉयर्स, लायर नहीं बेटा, लॉयर, वकील, है ना, लॉयर्स थे वो लोग, राइट। अब उसने बेटा रेजिडेंस थॉट गांधी जी टू बी अनटचेबल। गांधी जी को समझ लिया कि लगता है शुक्ला के साथ ही आया है ये आदमी, और लगता है गांधी जी भी अनटचेबल है। उस टाइम पे बेटा अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, है ना, अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। लोग समझते थे कि यार यू नो जो भी मतलब ये लोग अछूत हैं, ये लोअर जाति के हैं, अपर जाति के, मतलब ये सब चीजें बहुत था, है ना। बेसिकली क्या था, बेसिकली वहां पर क्या था, किसका सर्वेंट, राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट। जब राजेंद्र प्रसाद के घर पे गए, जब उनको कोई सोल्यूशन दिखा नहीं बेटा, तो राजेंद्र प्रसाद के घर पे जब वो गए तो राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट ने गांधी जी को भी अनटचेबल समझ लिया, शुक्ला के साथ गए थे वो इसलिए, ठीक है। और उसको ऐसा लगा गांधी जी कंसिडर्ड एज अनटचेबल बिकॉज ऑफ सिंपल लिविंग स्टाइल। मतलब गांधी जी इतना सिंपल रहते थे कि उनको देख के लगता था कितना ज्यादा सिंपल है, कोई लगता था कोई कोई मतलब बहुत ही पुअर फैमिली को बिलोंग करते, बट उनकी मेंटेलिटी बहुत अच्छी थी ना बेटा, है ना। तो एंड क्लोथिंग एंड ड्यू टू कंपनी ऑफ राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला के साथ रहते थे वो लोग, तो उसको लगा कि राजकुमार शुक्ला तो अनटचेबल है ही, तो साथ में लगता है गांधी जी भी अनटचेबल है। एंड ही डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट टू गेट दैट इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट चंपारण शेरपा। बेटा उन्होंने डिसाइड किया कि पहले हम जाएंगे मुजफ्फरपुर, पहले कहाँ जाएंगे हम लोग, पहले हम मुजफ्फरपुर जाएंगे, ये सब चीजें बाद में होती रहेंगी, पहले हम जाएंगे मुजफ्फरपुर और हम डिटेल लेंगे चंपारण के शेयर क्रॉपर्स के साथ, चंपारण के शेयर क्रॉपर्स की डिटेल हम वहां से लेंगे। उन्होंने एक टेलीग्राम सेंड कर दिया बेटा, उस टाइम पे हमारे सोशल मीडिया नहीं होते थे, तो उन्होंने एक टेलीग्राम सेंड किया किसको, जेबी कृपलानी को। जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम सेंड किया और बोला कि हम लोग मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, ठीक है। जेबी कृपलानी को टेलीग्राम सेंड किया और मलखानी के घर पे रहे वो, है ना, मलखानी के घर पे, जैसे कहते हैं ना दाल मखनी खाई, है ना, तो मलखानी के घर पे रह के दाल मखनी खाई उन्होंने, और जेबी कृपलानी को उन्होंने मैसेज दिया कि हम लोग आ रहे हैं। कृपलानी और मलखानी, समझ में आया, मलखानी कृपलानी क्लियर हुआ, है ना। कृपलानी को उन्होंने टेलीग्राम भेजा था, मलखानी को बोला कि हम तुम्हारे घर पे रहेंगे, है ना, समझ में आया, चलो ग्रेट। इंडियंस अफ्रेड, है ना, एक गवर्नमेंट सर्वेंट मलखानी, बेटा मलखानी कौन था, एक गवर्नमेंट टीचर था वो, ठीक है। एंड इंडियंस जो थे बेटा, दे वर अफ्रेड ऑफ शोइंग सिंपैथी टू द सपोर्टर्स ऑफ होम रूल, है ना, वो बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं दिखाते थे टू द सपोर्टर्स ऑफ होम रूल, क्योंकि उस समय बेटा लॉयर्स को ना बहुत बुरा माना जाता था, और कोई भी लॉयर्स का ओपनली सपोर्ट अगर करता था तो ब्रिटिशर्स उनको पनिश करते थे, ब्रिटिशर्स उनको पनिश कर देते थे और उनको जेल में डाल देते थे, ऐसा होता था, ठीक है। द न्यूज ऑफ गांधीजी अराइवल स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, एकदम आग की तरह फैल गई इसकी न्यूज, गांधी जी के अराइवल, आगमन की खबर एकदम आग की तरह फैल गई बेटा। शेयर क्रॉपर्स गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स टू मीट देयर चैंपियन, है ना। शेयर क्रॉपर्स को कुछ नहीं पता था गांधी जी के बारे में, सिर्फ शेयर क्रॉपर्स को ये पता था कि बेटा कि कोई गांधी नाम का आदमी है, वो बाहर से आया है और वो हमारे लिए लड़ाई कर रहा है, किससे, ब्रिटिशर्स से। सिर्फ इतनी सी नॉलेज थी उनको, ठीक है, सिर्फ इतनी सी नॉलेज थी, वो नहीं जानते थे कि गांधी जी है कौन। हाय दिशा, गांधी जी चिडेड द मुजफ्फर लॉयर्स फॉर टेकिंग हाई फीस। गांधी जी ने बेटा मुजफ्फरपुर जब गया तो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स से उसने बात करी कि क्या चल रहा है, तो लोगों ने बताया कि जो लोग अमीर हैं उन लोगों ने ब्रिटिशर्स पे केस किया हुआ, ये इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट पे, और जो लोग गरीब हैं वो लोग उसको मान गए हैं, और जो लोग कुछ ज्यादा ही अमीर हैं उन्होंने गुंडे वुंडे रख लिए, उन्होंने ठग्स रख लिए हैं कि भैया हम इनका मुकाबला कर लेंगे, और बाकी लोग जो केस लड़ रहे हैं हम उनका केस लड़ रहे हैं, हम उनसे पैसे ले रहे हैं। अब गांधी जी ने बेटा डांट लगाई, चिडेड द लॉयर्स, मतलब गांधी जी ने लॉयर्स की इतनी डांट लगाई, तुम कह रहे तुम्हें शर्म नहीं आती, वो लोग ऑलरेडी गरीब है, तुम लोग उनसे इतना ज्यादा हाई प्राइस ले रहे हो, इतना ज्यादा पैसा ले रहे हो तुम लोग केस लड़ने के लिए, ये तो गलत बात। चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिश पीपल, चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड बाय द एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिश पीपल, इंडियंस ओनली टेनेंट फार्मर, बेसिकली इंडियंस मतलब चंपारण डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया गया था, और सारे के सारे जो अच्छे वाले एस्टेट्स थे, जो अच्छी वाली प्रॉपर्टी थी, वो कहाँ पर मिल गई थी, किसको मिल गई थी, वो लैंडलॉर्ड को मिल गई थी, ब्रिटिशर्स को मिल गई थी, ठीक है, समझ में आया। अब देखो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पर लिखा है कि इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट में आखिर था क्या। लैंडलॉर्ड्स ने बेटा, लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने प्रेशराइज किया, लैंडलॉर्ड्स ने बेटा प्रेशराइज किया क्या, किसको बेटा, इंडियंस को प्रेशराइज किया, है ना, कि तुम अपने लैंड पे, जितना भी तुम्हारा लैंड है उसके
15% एरिया में, उसके 15% एरिया में तुम क्या उगाओगे, तुम सिर्फ और सिर्फ इंडिगो उगाओगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम क्या उगाओगे बेटा, इंडिगो ग्रो करोगे। क्लियर हुआ बेटा? उन्होंने इंफॉर्मेशन दी ना कि हम लोग आ रहे हैं, हमारे रुकने का, हमारे रहने का इंतजाम करो, इसीलिए बेटा इंफॉर्मेशन देने के लिए ही करा, इंफॉर्मेशन देने के लिए करा। अभी क्लियर हुआ? लैंडलॉर्ड कंपेल्ड टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर लैंड विद इंडिगो। उन्होंने कंपेल किया बेटा कि अपने लैंड पे 15% पे तुम क्या उगाओगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिगो उगाओगे, एंड सरेंडर देयर इंटायर हार्वेस्ट एज रेंट, और बाकी का सारा जो हार्वेस्ट होगा तुम रेंट की तरह पे भेज दोगे। समझ में आया? ये कॉन्ट्रैक्ट था कि 15% लैंड पे तुम इंडिगो उगाओगे, और इसका सारा का सारा जितना भी इंडिगो यहाँ पर उगेगा इतने परसेंट लैंड पे, है ना, वो तुम एज अ रेंट को दे दोगे, है ना। तो ये सिस्टम बना था, ये कॉन्ट्रैक्ट था, इसी की वजह से लोगों के अंदर गुस्सा था, लोगों के अंदर एंग्विश था, लोगों के अंदर डर था, और वो इस चीज को नहीं मान रहे थे। क्लियर हुआ? एंड इन द मीन टाइम जर्मनी हैड डेवलप सिंथेटिक इंडिगो। अब मुझे बात बताओ, जब कोई कंट्री कोई चीज सिंथेटिक हम बना लेंगे तो उसका प्राइस ऑब्वियसली बात है नेचुरल से कम होगा, सिंथेटिक वाला सस्ता बन जाएगा, नेचुरल वाला महंगा होता है। देखा आपने ऑर्गेनिक वाली जो दाल्स होती है वो ज्यादा होता है, टेनेंट्स होते हैं बेटा, किराए पे दे दिया था, टेनेंट्स मतलब किराएदार होते हैं, ठीक है, हाशिया क्रॉपर्स को दे दिया था। अब देखा आपने कि जो हमारी जो ये वाली दालें होती है ये सब हमारी महंगी होती है, ऑर्गेनिक वाली दालें जो होती है महंगी होती है। टेनेंट्स का मतलब होता है किराए पे देना बेटा, जैसे आपके घर में किराएदार रहते हैं ना, उनको टेनेंट्स बोलते हैं, टेनेंट्स। ओके, सारी की सारी प्रॉपर्टी इंग्लिश के पास थी, सारी की सारी प्रॉपर्टी अंग्रेजों के पास थी, और हमारे पास क्या था, हमारे फार्मर्स सिर्फ वहां पर एज अ वर्कर की तरह काम कर रहे थे, किराए पे काम कर रहे थे। समझ में आया? सारे के सारे वर्कर्स की तरह काम कर रहे थे, हमारे जो जितने भी फार्मर्स थे वो एज अ वर्कर काम कर रहे थे वहां पर, और बाकी मौज कौन ले रहा था, मौज ब्रिटिशर्स ले रहे थे। समझ में आया? अब इंडिगो उगा लिया बेटा, सिंथेटिक इंडिगो उगा लिया किसने बेटा, जर्मनी ने। अब वो वाला सस्ता पड़ गया, अब ब्रिटिशर्स का पूरा बिजनेस चौपट हो गया एकदम से। ब्रिटिशर्स ने बड़ा अपना दिमाग लगाया और वो इस चीज पे पहुंचे कि भाई हम लोग ना क्या करेंगे, अगर तुम्हें इस सिंथेटिक इंडिगो वाले कॉन्ट्रैक्ट से अपने आप को छुड़ाना है ना, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें हमें, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड फ्रीड द इंडियन फार्मर्स फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट बाय आस्क देम टू पे कॉम्पनसेशन। उसने कहा तुम्हें इसका मुआवजा देना पड़ेगा हमें, जो तुम 15% चीजें नहीं उगाओगे और इस कॉन्ट्रैक्ट से अगर तुम निकलना चाहते हो, है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट से। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट जब आपने साइन कर दिया होता है तो आप बाउंड, मतलब आप यू आर बाउंड टू डू वर्क, है ना, आपको वो चीज करनी होती है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है ना। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था कि 15% एरिया में तुम्हें इंडिगो उगाना है, और इसको अगर उसने बोला कि अगर ये कॉम्पनसेशन, तो अगर तुम ये इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना चाहते हो तो तुम्हें हमें कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, कुछ हमें दोगे तभी हम तुम्हें रिलीज करेंगे, इस कॉम्पनसेशन दोगे तभी हम तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करेंगे। सब लोगों ने साइन कर दी, कई लोगों ने बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्यों पैसे दें। कई लोगों ने बेटा लॉयर्स रख लिए, कई लोगों ने लैंडलॉर्ड्स हायर, ठग्स, है ना, जिनके पास ज्यादा जमीन वमीन थी उन्होंने ठग्स रख लिए, ठग्स बोले तो हुलीगन्स बोले तो गुंडे, हुलीगन्स रख लिए उन्होंने, पहलवान रख लिए मारने पीटने के लिए। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर समझ में आया है, जल्दी बताओ यहाँ पर समझ में आया सबको। गांधी जी जैसे ही चंपारण पहुंचे, चंपारण से पहले वो मुजफ्फरपुर से सारी इंफॉर्मेशन लेके आ गए थे, अब वो पहुंचे, है ना, अब वो पहुंचते फाइनली चंपारण और विजिट करते हैं बेटा सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी होते हैं वहां पर, उनको वो विजिट करते हैं और बोलते हैं कि हमें सारे के सारे फैक्ट और फिगर्स चाहिए, है ना,
ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वहां पर जो ऑफिस में उसको मिला, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर मिले उनको, उन्होंने साफ मना कर दिया। ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर मिले उनको, उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला तुम एक आउटसाइडर हो और तुम्हें हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तुम एक काम करो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और भागो यहाँ से। समझ में आया, तुम एक आउटसाइडर हो, तुम्हें तो हम कतई ही कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, है ना, तुम्हें तो कतई ही कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, तुम भाग जाओ यहाँ से, अपना सामान पैक करो और चलती बनो यहाँ से फटाफट, है ना, 1:40 की लास्ट लोकल से निकल लो फटाफट, ऐसे करके उनसे बात करी, है ना। दोज हु आस्क्ड हिम टू लीव तिरहुत डिवीजन, है ना, उससे बोला यहाँ इस इलाके से तुम लोग मुझे दोबारा दिखने नहीं चाहिए, भाग जाओ यहाँ से फटाफट। गांधी जी ने बोला कि नहीं मानूंगा तुम्हारा डिसीजन, मैं डिसओबे करूंगा, और यहीं से राइज होता है बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का राइज यहीं से होता है, व्हेन ही वेंट टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, है ना, वेयर अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड हिम, है ना, बेसिकली नॉट अ कैपिटल ऑफ चंपारण बेसिकली, बट मोतिहारी गए वो चंपारण के पास ही, मोतिहारी था वहां पर गए वो वहां पर, एंड ही कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। मतलब 10,000 लोगों की कंप्लेंट्स लिखी गई, दे रोट एक्चुअली दे रोट, यहीं पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की मतलब हुंकार भरी इन लोगों ने, और यहां से ही सक्सेसफुल हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि एक ब्रिटिशर को एक इंडियन ने डिसोबे कर दिया था, आज तक जिस चीज की जरूरत नहीं हुई बेटा, महात्मा गांधी जी ने वो करके दिखाया था, उन्होंने ब्रिटिशर्स को मना कर दिया, उसने कहा ऐसा है तुम ब्रिटिशर्स हो, तुम मेरी कंट्री में आए हो, तुम्हारी मैं कोई भी बात नहीं मानूंगा, आई वॉन्ट लिसन टू यू, वाई शुड आई लिसन टू यू, आर देयर इन माई कंट्री, हेयर इज माई, this is my country and I will make rules according to myself, what I will think, what my people think, I will obey that reason and I will not obey you. यहाँ पर ही होता है civil disobedience movement का, है ना, very good, civil disobedience movement का यहीं से start होता है बेटा, यहीं से एक आग निकलती है लोगों के अंदर, और लोगों के अंदर अपनी freedom की भी आग लगती है ना, उनके अंदर एक freedom का भी जुनून आता है, एक freedom का भी उनके अंदर क्या आता है, जुनून आता है, फ्रीडम का भी उनके अंदर एक चाह आता है। He visited maltreated villagers stopped by the police superintendent but disobeyed the order, है ना? उसको बुलाया गया बेटा, he visited, एक बार पता लगा उसको कि कोई पड़ोस में ही कोई किसान है, उसको ब्रिटिशर्स ने बहुत मारा है, तो गांधी जी ने बोला कि जाऊंगा मैं खुद पर्सनली मिलने जाऊंगा उससे, पर्सनली मिलने जाऊंगा, है ना। अब क्या हुआ, मोतिहारी वॉज ब्लैक विद पीस एंड स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, लोग अपने मतलब प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर क्या हो गया था बेटा, वहां पर लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, अनशन करना शुरू कर दिया, अनशन समझते हो ना, है ना, एजिटेशन करना शुरू कर दिए, अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, उन्होंने डिमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिए, है ना, डिमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गांधी जी रिलीज विदाउट बेल, गांधी जी को बिना बेल के पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रिटिशर्स को डिसोबे करने की, इसी उनके अंदर कोई जुर्म नहीं था, उसने कहा ऐसा है ना कि मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने भाई बहनों की मदद करनी है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, और यहाँ के लोग परेशानी में, तो मैं तो उनकी मदद करके रहूंगा, तुम्हें जो करना है तुम करो। गांधी जी को उठा के जेल में डाल दिया था बेटा, है ना, और सिविल डिसोबीडियंस की हुंकार यहां से भरी गई और जीत भी गई। ट्रंप मतलब क्या होता है, विक्ट्री, है ना, ट्रंप मतलब क्या होता है बेटा, विक्ट्री, यहां पर जीत भी हुई उनकी, है ना, और उनको बिना बेल के बेल के लिए अप्लाई करके उनको प्रिजन से बाहर निकाल दिया गया, है ना, उनकी रिहाई हो गई। गांधी जी को बोला गया कि एक कमेटी बनेगी बेटा जिससे ये जांच होगी कि कौन कल्प्रिट है, असली कल्प्रिट कौन है, एक ऐसा कमेटी बनी बेटा, और उसमें गांधी जी जो थे वो पीजेंट की साइड के रिप्रेजेंटेटिव थे, और उनके बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मिला के एक मीटिंग बनाई गई, और गांधी जी से पूछा गया क्या करना चाहिए, है ना। गांधी जी ने बोला कि हमारे जो भी मासूम किसानों का जो तुमने पैसा लिया है उसका हमें 50% वापस करो, जो तुमने अभी तक हमें लूटा है उसका 50% जो तुमने डिसीड किया है ना, तुमने डिसीड किया ना बेटा, लोगों को धोखा दिया, डिसीव करा है, डिसीव मतलब क्या होता है बेटा, डिसीव टर्म्स में, उसने बोला कि तुमने जो पैसे वैसे लूटे आज तक तुम वापस करो उसको एटलीस्ट, तो ब्रिटिशर्स मान ही नहीं उस चीज को, उसने बोला कि नहीं 50% तो नहीं करेंगे, 25% करेंगे। उनको लगा कि गांधी जी नहीं मानेंगे क्योंकि वो गांधी जी बहुत स्टबर्न एक्ट कर रहे थे कि 50% से 1% कम नहीं करूंगा। है ना, गांधी जी अग्रीड टू 25% रिफंड बेटा, जब उन्होंने कॉम्पनसेशन लिया था ना, जब कृति समझो ना बेटा, समझो, समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा बेटा, बताओ क्या समझ नहीं आ रहा,
बेटा एक तरीके से मोतिहारी वॉज ब्लैक विद पीजेंट, मतलब हर कोई सड़क पे उतर आया था प्रदर्शन करने के लिए। आपने राइड्स देखे, आपने रिवॉर्ड्स देखे, आपने कभी देखा है कि जलिया वाला बाग जब इंसिडेंट हुआ था तो कितने लोग सड़कों पे उतर आए थे प्रदर्शन करने के लिए, राइट? तो मोतिहारी भी वहां पर अच्छा खासा मोतिहारी था, एकदम यू नो मतलब काफी खुशहाल था वो। बट अब बिल्कुल इट वॉज लाइक ब्लैक, इट वॉज लाइक इमरजेंसी कंडीशन वहां पर ओरिजिनेट हो गई थी। एंड एवरीबडी वॉज फीलिंग द सेम इश्यूज कि यार हर कोई अगेंस्ट था ब्रिटिशर्स के, और हर कोई सपोर्ट कर रहा था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हर कोई सपोर्ट कर रहा था किसको, गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी उनका सपोर्ट कर रहे थे बेटा, पुअर फार्मर्स का सपोर्ट कर रहे थे। अभी क्लियर हुआ? गांधी जी को जब मीटिंग में पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो उसने बोला हमारे ब्रिटिशर्स ने जो भी हमारा पैसा लिया है हमें वो लौटा दो, वो पैसा हमें वापस कर दो। तो गांधी जी ने बोला कि 50% पैसा हमें वापस कर दो, तो उसने बोला नहीं इतना नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं कर पाएंगे। तो उसने बोला कितना करोगे, उसने बोला 25%। सब लोगों को ये लगा गांधी जी नहीं मानेंगे 25% में, पर गांधी जी मान गए, गांधी जी मान गए, बिकॉज इस टाइम पे बात पैसे की नहीं थी, बात थी प्रेस्टीज की, बात थी इज्जत की, कि ब्रिटिशर्स अपनी गलती मान रहे हैं, हमारे आगे झुक रहे हैं। ये उनका बहुत ही बड़ा फेलियर था बेटा, गांधी जी ने ये बात एनालाइज कर ली थी कि ये ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि ब्रिटिशर्स किसी के आगे कभी झुकते नहीं है, पर वो आज झुक रहे हैं। तो ये मौका मैं कैसे गंवा दूं, मौका मौका मुझे मिल गया है, मौका ब्रिटिशर्स को तोड़ने का मौका और उनको अपने देश से निकाल के बाहर फेंकने का मौका। और दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप इन दैट मौका विच वॉज ड्रीम्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड उसके बाद ही लोगों में एकदम हाहाकार मच गया कि भाई हमें आजादी चाहिए, वी वॉन्ट आर फ्रीडम, वी वॉन्ट आर जस्टिस, वी वॉन्ट आर फ्रीडम। और उन्होंने गांधी जी को अपना लीडर चुन लिया एक तरीके से, गांधी जी उनको सपोर्ट कर रहे थे बेटा, है ना। गांधी जी वर्क्ड हार्ड टुवर्ड्स द सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलिवेटेड बाय देयर डिस्ट्रेस एडेड बाय द वाइफ महादेव दसाई नरहरी परिख। ये सब लोगों को उन्होंने बुला लिया, एक अलायंस बना लिया, और लोगों की लाइफ की सिचुएशन को भी ठीक करने में वो लग गए। ये तो सॉल्व हो गया, ब्रिटिशर्स ने अपनी गलती मान ली और इसमें ब्रिटिशर्स की ही गलती निकली, है ना। और तब क्या हुआ, गांधी जी ने बेटा इन लोगों की लाइफ में चेंज करने का सोचा। वो वाला तो सीजन निपट गया, इंडिगो मूवमेंट वाला तो सीजन हट गया, खत्म हो गया सब कुछ, पर उनकी लाइफ में भी उन्होंने चेंज लाने की सोची। और उन्होंने बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स निकाले, जिसमें कि उनकी वाइफ जो थी वो लोगों को सैनिटेशन के बारे में बताती थी, क्लीनलीनेस के बारे में बताती थी, आश्रम के रूल्स बताती थी, और साथ में उनके जो बेटा था छोटा वाला, है ना, जिसका नाम आई थिंक देवदास था, महादेव हरि परी, ये सब लोग भी आ गए थे। और लोगों को सिखाया गया कि सेल्फ रिलायंस इज द की टू सक्सेस, सेल्फ रिलायंस इज द की टू सक्सेस। और जब सब लोगों ने बोला कि इंग्लिश मैन की हेल्प ले लो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, हमें पॉइंट्स पता लग जाएंगे, तो गांधी जी ने साफ मना कर दिया। उसने बोला कि क्या तुम्हें अपने पे भरोसा नहीं है, अपने पे तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम ब्रिटिशर्स की हेल्प ले रहे हो, वो भी मैं एंड्रयू की हेल्प नहीं लूंगा बिल्कुल भी। सबने मना कर दिया, सबने बोला गांधी जी पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, ब्रिटिशर्स की हेल्प ले लो, ताकि देखो क्या होता है, घर का भेदी लंका ढाए बोलते ना, तो ब्रिटिशर्स की हेल्प ले लोगे। एलिवेटेड देयर डिस्ट्रेस एडेड बाय द वाइफ, मतलब जो भी उनके प्रॉब्लम्स थी बेटा उनको हटाया गया, एलिवेटेड है ना, उनकी प्रॉब्लम्स को हटाया गया। जो भी वहां पर सिचुएशन थी, वहां पर बहुत ज्यादा गरीबी थी बेटा, बहुत ज्यादा गंदगी थी, गरीबी थी, वो लोग बिल्कुल भी प्रॉपर लाइफ नहीं जी रहे थे बेटा। तो बेटा अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, बहुत सारे लोगों को, मतलब जो हमारे सेल्फ वॉलंटियर्स होते हैं उनको बुलाया गया, एक टीम बनाई गई, इवन एक डॉक्टर की टीम बनाई गई, जिसने वहां पर दवाइयां बांटी वहां पर बेटा, है ना, यू नो दवाइयां बांटी बेटा बहुत सारी, है ना, उन्होंने उनको, हाँ बेटा ये सब चीजें करा गया, सल्फर बांटा गया मतलब एज अ दवाई के रूप में, है ना, जिनकी टंग कोटेड थी, जिनको बुखार था, उनको क्विनीन बांटी गई, ये सब चीजें बांटी गई बेटा वहां पर, है ना। और ब्रिटिशर्स को बोल दिया कि भैया हम किसी की भी हेल्प नहीं लेंगे, बिकॉज हम लोग अपने आप में काफी हैं, अपने आप में हम लोग काफी हैं। किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें, कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है जल्दी बोलो, है या नहीं, नहीं है कोई डाउट। तो हमने पढ़ लिया बेटा, आपने इंडिगो पढ़ लिया और लास्ट लेसन पढ़ लिया, ठीक है। आज के लिए यही दो चैप्टर्स रखें, आज के लिए यही दो चैप्टर्स रखें, नेक्स्ट टाइम पे दो और चैप्टर ले लेंगे, ऐसे करके पढ़ लेंगे, बिकॉज अभी आपकी 4 o'clock पे भी क्लास है बेटा, आप लोगों की 4 o'clock पे भी क्लास है, ठीक है। किस चीज की क्लास है, आपकी 4 o'clock पे क्लास है बेटा,
ये देखो आपकी 4 o'clock पे इवांस के PYQs कराऊंगी, इवांस के PYQs कराऊंगी, ठीक है। 6 बजे जो आपकी क्लासेस में पोएटिक मैराथन होगी बेटा, फिर तो बैक टू बैक क्लासेस है, पोएटिक मैराथन, तो आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है। 8 बजे जो क्लास है उसमें मैं आपको इंडिगो के PYQs कराऊंगी, थोड़ा समझाऊंगी मैं इंडिगो। 10 बजे क्लास है माय मदर के क्वेश्चंस करेंगे, और जो 11 बजे है वो मेगा मेंटी क्विज है, मेगा मेंटी क्विज है, ठीक है। हाँ वो डेली क्लास में होगी, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, अभी के लिए इतना ही, थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ी एक जेस्ट तो मिला ही होगा चैप्टर का, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, एंड ये जो आपका आंसर राइटिंग बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा, 7 जून को स्टार्ट हुआ ये, 3 मंथ्स का बैच है, है ना, जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक चलेगा ये बैच, मस्त करके पढ़ेंगे, है ना। और साथ में बेटा प्राइम बैच भी है, ये भी 3 मंथ्स का ड्यूरेशन का बैच है। साथ में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको क्या देता है बेटा, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको देता है कि आप मस्त करके पढ़ सकते हो। इसकी कॉस्ट है बेसिकली 15,000 रुपए पूरे सब्जेक्ट्स की, बट इसमें अगर आप मेरा कोड लगा दोगे तो आपको ये 13,500 का पड़ता है बेटा पूरे साल में आप पढ़ने का। और आपके कुछ फ्री क्रेडिट्स हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो इसमें, एंड यू कैन यूज माई कोड क्रिट्स टू अवेल डिस्काउंट, ठीक है। आप इसमें पढ़ सकते हो मेरे साथ, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर मिल जाता है, सारे बेनिफिट्स आपको प्लस वाले मिल जाते हैं, ठीक है। आइकॉनिक पे भी आप कर सकते हो बेटा, पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाती है आप लोगों को, डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाते हैं, ये सारी चीजें मिल जाती हैं आप लोगों को, ठीक है। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ क्या मिल रहा है, अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो तो आपको 2 मंथ्स का फ्री मिल रहा है ना। तो या दैट वॉज देयर, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। आप लोगों की स्पेशल क्लास आज नहीं है, बट एवरी मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे होती है। ओके कोई बात नहीं, 4 बजे है क्लास, आज की क्लास 4, 6, 8, 10 और 11 है, 4, 6, 8, 10 और 11 बजे है क्लासेस, तो आप लोग आ जाइएगा जिसको जैसा भी सही लगे, है ना। थैंक यू एवरीवन। सो जो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड हिट अ लाइक बटन, एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट स्टे कनेक्टेड विद मी एंड ऑल द क्लासेस ओवर हियर यू विल बी डिस्क्राइब्ड। अगर आपने अनअकैडमी का आने का अभी तक डाउनलोड नहीं करा तो फटाफट अभी तक कर लो, फटाफट उसको डाउनलोड, एंड लेट्स क्रैक इट गाइज, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट ग्रेट डे एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं 4 बजे।